الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل محمدا شفيعا والصلاة والسلام عليه رافعا ورفيعا إنه هو المحمد هو الأحمد هو الحامد هو المحمود مطاعا ومطيعا وعلى آله وأصحابه جميعا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سارے احباب حاضری لوان واسطے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزان محترم صاحبزادگان و مریدین و متوسلین آستانہ عالیہ امام آباد شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگ فرماندے نے خاصاں دی گل عام اگے نہیں مناسب کرنی ہر مقام واسطے ایک گل بنی ہوتی ہے تے ہر گل واسطے ایک مقام ہوتا ہے نہ ہر گل ہر تھان دے کرن والی ہوتی ہے نہ ہر تھان یہو جی ہوتی ہے کہ بندہ اتنے ہر گل کر دے فصاحت بلاغت انہوں ہی آخدے نے کہ موقع مقام دے مطابق گل کرنا عزیزان من قرآن مجید فرقان حمید نے ساڑی رہنمائی قیامت تک آن والے حادثات تے فتن دے بارے کر دیتی ایک اصول بیان کیتا گیا ہے فرمایا کہ اگر تواڈے اندر کوئی مسئلہ متنازع بن جاوے اختلافی بن جاوے تے قرآن کریم نے اس دا ایک حل فرمایا ہے فرمایا اس دا حل لیوے کہ حکم پاویں فرد واحد ہوئے پاویں ایک جماعت ہوئے صاحب علم صاحب حلم صاحب تدبر صاحب عدل و انصاف دو متنازع گروہ اگر بن گئے نے دو جماعتاں بن گئیاں نے دو افراد نے اگر انہاں دے درمیان کسے گل دے اتے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا غلطیاں ہو گئیاں نے
उस दे हाल दा कुराने पाक ने एक तरीका दसिया है। फरमाया एक हकम उस जानिब तू ते एक हकम उस जानिब तू मुकरर कर लिता जावे जेड़े बह के उस मसले नू सुलझा देन। साढ़े माँ बहन मेरी मुराद आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ दे सजादगान मुझ फकीर समेत और दीगर मुतालिकीन मुहिब्बीन और किबला उस्ताजी मुकर्रम मुहसिन अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती ज़ादहुल्लाह शरफ़न और किबला छोटे हजरत साहब हुज़ूर ख्वाजा महबूब फरीद चिश्ती दामत बरकातुहुम और बरादरम अज़ीज़म मौलाना सादुल्लाह चिश्ती साहब दे माँ बहन कुछ चीज़ा मुतनाज़ा हो गई इख्तलाफी बन गई हुण इंतहाई नाजुक तरीन मामला सी इंतहाई खासा दी गल सी। फकीर बेहमदही ताला अपने वाले दे माजिद हज़रत कबीर रदी अल्लाह ताला अन्हो दी तालीमात दे मुताबिक इसन सुलझाण वास्ते कोशां रहा है और हुण भी कोशिश च। मैं तीन मरतबा सुंदर शरीफ हाजिर होया और दो मरतबा मैं अलीपुर शरीफ हाजिर होया। छोटी तो बाद तो कुछ मामलात कशीदगियां सामने आईया मैं उन्होंने समेटन आस्ते कुंजन आस्ते उत्थे हाजिर होया उत्थे हाजिर होया मुजाकरात करन दी कोशिश की थी सुनन सुनान दी फामो तफहीम दी और घरेलू महफिल च इसनू कुंजन दी कोशिश करदा रहा। परसों गालिबन बुध दी रात नू हाँ बुध दी रात सी ना बुध दी रात नू शाम नू बुध अलीपुर शरीफ मेरी हाजिरी होई। इस सारे पांच चक्रां दे विच उन्हां साडे बुजुर्गां विचों कोई भी फर्द आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ तशरीफ नहीं लिया है। फकीर ही उत्थे हाजिर होया सुंदर शरीफ पीर इमरान साहब मेरे बहनोई ने भाई ने वड्डे इरफान साहब असा भी सां खैर इन्हों उतों बाहर कर दिता गया। असी खामोश हो गए कि यार मामला सिमटना चाहिए। फिर उस तो बाद खैर यानी जो कुछ रूए दाद हुई इन्हों मजालिस दी उहदा जिक्र करना मेरा मकसद नहीं। आखिरी मजलिस जदों करके आया और मुजाकरात च मैं नाकाम होया चाचा जी किबला दे गोड़ियां दे हाथ रख के ते मैरज कीती है। मैं क्या हुजूर ए मैनू ये लफज बोल रहे ने मैं वो लफज भी इत्थे बोलना मुनासिब नहीं समझदा। मैं क्या उस्ताद साहब किबला मैनू ये लफज फरमा रहे ने यही अल्फाज सन गोड़ियां नू हाथ रखे हुए सन चाचा जी दे। मैं क्या मैनू ये लफज फरमा रहे ने ते अगर आप भी मैनू इंज समझदे हो ते मैं चला जाना अगर मैनू आप इंज नहीं समझदे ते फिर उन्होंने मना करो और साड़ी गल सुनो। खैर जो मुजाकरात होए वो नाकाम हो गए क्योंकि असी सिर्फ असी अफराद सां घरेलू अफराद वो भी घरेलू अफराद सां। ताहम मैं फिर भी पिछा नहीं हटिया मैं कमर बस्ता रहा और मैं अगला मनसूबा ये सोचा सी
कि फिक्र हक के मुनसलिक जिहड़े साडे उलमा और मुफ्तियां ने किराम ने साडे मुदर्रसीन जिहड़े ने अल्लाह ताला ने जिन्हां नूं इलम दी रोशनाई अता फरमाई है ना। चलो खैर है, कोई नहीं, अगर तनाज़ा बन गया तो वड्डियां दे तनाज़े वास्ते हकम छोटे भी बन सकते ने। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला नो शेरे खुदा खलीफा सन, जदों खलीफा मुंतखब होए इख्तलाफात खड़े हो गए और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नो जलीलुल कद्र सहाबी सन, जिन्हां नो हकम बनाया गया वो हकम उन्हां नालों इन्हां दो साहबा नालों शान दे विच कम सन। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला नो वगैरहम नो हकम बनाया गया कि यार ये जड़ा तनाज़ा उठता पिया ना साहबा पाक दे दरमियान तो इसनों फरो किया जाए, ठंडा किया जाए। इतों मैं एक पैगाम देना चाहना वा इस फिक्र दे हक दे मुखालिफीन नू कि जालमो ये साड़ी आपस की गल है और असा कुंज लैनी है इंशाअल्लाह ताला। अस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ नू मामलात समेटना भी आते हैं तो कुंजने भी आते हैं, पहले भी कुंजिया ने असी कई दफा तो याद रख लो थोड़े चो अगर किसी ने भी टां टां की ना साड़ी किसी भी क्यादत के उत्ते तो गुद्दी के विचों जबान खिंच देंगे। मत तुसी समझो भी असी हुण एक दूजे के दुश्मन से मुखालिफ हो गए हाँ, अलहमदुलिल्लाह असी दुश्मन से मुखालिफ नहीं हाँ। गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं ने उन्हें गलत फहमिया का इजाला हो जाता है, इस वास्ते कोई मुखालिफ तो दुश्मन ये जुरत ना पिया करे कि फिक्र हक नहीं है। उस जालमा जे फिक्र हक तू साडे तनाजात की वजह तू कहेगा कि फिक्र हक नहीं है तो साहबा इकराम के तनाजात की वजह तू इस्लाम के बारे की कहेगा, कुरान के बारे की कहेगा। इस वास्ते कोई भी बंदा ये बकवास करने की कोशिश ना करे कि भाई जे फिक्र हक होंगी तो इन्हों के तनाजात ना होंगे। वो जा परे जी है चवले तेनू की पता तनाजात हो जाते ने सिमट भी जाते ने, रब्बे जुल जलाल करम फरमाएगा इंशाअल्लाह सिमट जाएंगे, लिहाजा तनाजात हो जाते ने। उसका हल मेरे जहन दिल दिमाग जे आया सी कि उलमा मुदर्रसीन मुफ्तिया ने किराम दी एक जमात मुंतखब की जाए, वफद मुकर्रर किया जाए, जिहड़ा असां दे दरमियान पैदा होण वालियां गलत फहमियां ने ना उन्हां नूं तहरीर दी शक्ल च लिखे। वफद मेरी भी गल सुने, वफद इन्हां साडे साहिबां साहिबान जिहड़े ने इन्हां दी भी गल सुने। वो वफद उलमाए किराम दा अगर वो जिहड़े साडे ते इल्जामात आयद किते जा रहे ने उन्हां इल्जामात नूं तहरीरी लिख के वह मुफ्तियान और उलमाए किराम आन मेरे नाल गल करन, जिस गलत फहमी का इजाला करन आला होएगा फकीर गलत फहमी का इजाला करेगा। बाकायदा तौर दे उते उहदी वीडियो बनवावांगे और मजलिसे खास च रखांगे, इजाजत दे नाल उहदी इशात होएगी फरीकैन दी इजाजत दे नाल। अगर गलत फहमी का इजाला ना कर सकिया, मेरी गलती हुई, अच्छा गलत फहमी का इजाला भी करांगा तो माफ़ी भी मंगांगा, गलत फहमी का इजाला भी करांगा, दसांगा कि तुसा ये इल्ज़ाम जेड़ा ला रहे हो ये गलत समझण दी बिना दे ला रहे हो, ऐ करन दे नाल माफ़ी भी मंगांगा, तुहाडे पैरां गोड़ियां नूं भी हाथ लावांगा क्योंकि तुसी मेरे वड्डे हो, चाचा जी ने प्यो बजा ने मेरे उस्ताद ने मेरे मुरब्बी ने, मैं उन्होंने मोहसिन समझना अपने उलूम दे अंदर अपनी रूहानीयत दे अंदर नहीं। मैनू रूहानीयत दा जो फैज़ मिलिया वो अंदर मेरे शेख कामिल दा मुनफरिद फैज़ है, वो अंदर मैं किसी का मोहताज नहीं हाँ, तज़किया नफ्स दे अंदर मैं किसी का मोहताज नहीं हाँ। वो जरा मैनू दिल दी मेरी दिल दी एक नूरे हिदायत है जो मैनू अता फरमाया है वो मेरे मुर्शिद कामिल मुनफरिद ने ये विच, वो मैं उन्होंने अपना मोहसिन समझना और मैं उन्होंने नाल दा किसे नू बराबर समझदा ही नहीं। उलूमे इस्लामिया दे अंदर तुहाडा एहसान समझना वा, चाचा जी किबला चाचे होने के नाते मेरे बाप बजा ने उन्हों का एहतराम करना वा,
गलत फहमी का इजाला भी करांगा और माजरत भी करांगा। मेरे समेत मेरे खानदान के तमाम अफराद इजाला भी करेंगे माजरत भी करेंगे। अगर वो मेरी गलती साबित हुई, इंसान खता का पुतला है, कोई मासूम नहीं है, बल्कि मैं तो अपने आप को महफूज भी नहीं समझता, अल्लाह ताला मैनू महफूज बना छोड़े। अगर गलती साबित हुई तो गलती तू रुजू भी लिखांगा, तहरीरन भी तकरीरन भी, और माजरत भी करांगा, तौबा भी करांगा। दसो भी ईमान नाल इस तू वध के कोई गल हो सकती है? उलमाए किराम दा वफद मेरी भी गल सुने, उत्थे जाके उन्हां दी भी गल सुने। पहले तहरीरी तौर दे उत्ते और वो तहरीर मखसूस रवे, उलमा दे माबैन रवे, अवाम च उन्हों अवामी सतह दे नाल लिआंदा जावे, जिन्हों अजकल आंदे ने पब्लिक करना, उन्हों पब्लिक ना कीता जावे, वो इल्जामात नूं पब्लिक ना कीता जावे। मेरी तरफों जो तहफुजात ने मैं वो यकसर बंद कर देंगा, मैं वो पटारी नहीं खोलांगा। जो मैनू अपने वड्डियां तो तहफुजात ने या जो मेरे दिल के अंदर रंजिशा ने, मैं वो सारियां खत्म कर देंगा। मेरी गल समझे ने कि नहीं? सिर्फ किस वास्ते कि कल नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर असा की मुँह विखावे कि अगे उम्मत कई हिस्सों तकसीम हो गई सी, ते असी अपनी अना की वजह नाल फिर हिस्से बना छड़े। मेरे वालिद माजिद ने बड़िया मेहनत मशक्कत करके, ते मैं भी अठे हेले तकलीफ च रहना, इनकलोजिंग स्पोंडालाइटिस का मैं मरीज हाँ, और मैनू कोई कुर्सियां ते बैडां दे उत्ते आराम करन वाला ना समझिया जावे। एक एक साह जिहड़ा है ना मेरा, वो पता नहीं किनियां किनियां दर्दां विच गुजरदा है। ये डॉक्टर ते हकीम समझ सकते हैं कि इस मर्ज दे मरीज दा की हाल होंदा है। तुसी भी देख ही रहे हो मेरा चलना फिरना, मेरी मूवमेंट हरकत जिहड़ी है तुहाडे सामने। तो मेरे प्यारे हो, हजरत साहब किबला ने एक एक दाणा करके ना ते ए फिक्र दी तस्बीह च परोया है। इनू तुसा असा खिंचण दे अंदर तोड़ ना देइए। तस्बी जिहड़ी हजरत साहब बना के दे गए ने, असा इंज हथ खोल देने, तुसा खिंच लो। लेकिन इल्जामात दा अगर इजाला करना है तो उहदे वास्ते एक बेहतरीन हल ते बेहतरीन तरीका, कुरानी तरीका जिहड़ा है वो ये वे कि उलमाए किराम दा वफद हकम मुकरर कीता जावे, वो मौकिफ सुने, इल्जामात सुने, उन्हां दा इजाला होण लै जिथे इजाला होवे, जिथे माफ़ी तलाफी होण लई उथे माफ़ी तलाफी होवे, तौबा दे काफिर दी भी कबूल की जा सकती है। इवें है कि नहीं? तो इस तरह आवाम दे अंदर इंतशार और इश्तेआल जिहड़ा है ना वो बहुत नुकसान दे वे। कि तुसा एक क्लिप शेयर कर दो, मैं उसका जवाब देवा, मैं क्लिप शेयर कर देवा, फिर तुसी एक क्लिप शेयर कर दो, फिर मैं एक क्लिप शेयर कर देवा। ऐ अलहम्दुलिल्लाह इस तरह का भूंडा जहन मेरा ना शुरू तो सी ना होने। इस्लाह पसंद आ, सुलह पसंद आ। पहले भी तुसी इस चीज़ नू वेख चुके हो, सन 2013-14 का जिहड़ा हादसा रूनुमा होया सी, सजादगान दे बारे जो भी इल्जामात होए सन, हत्ता के बहुत कुछ होया सी। क्या अस्ताने आली अस्ताना इमामाबाद शरीफ दी तरफों कोई मौजू या कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई सी? ते जे नहीं सी हुई ना ते तौबा व रुजू ते माफियां तलाफियां भी सानू नहीं सी मंगनियां पईयां। फिर इस तरह असां कोई ये तरीका नहीं इख्तियार करना कि क्लिप दा जवाब क्लिप विच देईए, बल्कि यह भी जिहड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं मशवरा कीता है दोस्तों के नाल, उन्होंने कहा जी चलो वो दोस्त जिहड़े ये कहंदे ने पे कि यार इमामाबाद शरीफ वाले इसनों हल नहीं करना चाह रहे,
ते चलो साड़ी तरफों एक पैगाम उन्हें तक पहुँच जाए इतमाम हुज्जत दे तौर दे उते कि इमामाबाद शरीफ इस नु हल करन आस्ते पांच मरतबा पहले भी कोशिश कर चुके हैं और हुण भी कोशिश करन वास्ते तैयार है। उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़ाम मुदर्रिसीन साढ़े बड़े बड़े जलीलुल कद्र उलमा मौजूद ने, सादात किराम मौजूद ने, दयानतदार मौजूद ने, साहेब इल्म हिल्म साहेब फजल साहेब तकवा ऐसे लोग साढ़े अंदर मौजूद ने। अगर साढ़े कोई रंजिशा बन गई ने तो कोई गल नहीं, छोटिया की एक जमात मुकर्र कर दें। मैं तो नहीं अपने आप तो उन्होंने छोटा समझदा, चलो तुसा अगर उन्होंने अपने आप तो छोटा समझते हो, छोटे है भी ने तुहाडे तो, ते चलो उन्होंने छोटिया की एक हकम दी। हुण हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मकाम किथे किथे, शेरे खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान, हसनैन दे अब्बा करीम। तो इस वास्ते इहदे विच कोई बेइज्जती वाली गल नहीं है, इहदे विच कोई फसाद वाली गल नहीं है कि असा अगर आपस चार पांच अफराद इस मामले नू नहीं कुंज सके। तो अजीब गल है कि चार पांच दी महफिल नहीं सी कुंज सके तो चलो सौ बंदे दी उलमा दी एक मजलिस ते वह मुकर्र करके उहदे विच कुंजण दी कोशिश कर दीए, ते जे उहदे विच ना हो सकी ते फिर तुसी हज़ारां दे मजमे विच गल नू लै जाणा। गल नू समझ आई? मरहला बा मरहला अगर चार पांच दे विच गल नहीं कुंजीची ते उलमा दे वफद नू छोड़ के उलमा दी तरतीब और मजलिस नू छोड़ के मजलिस खास नू छोड़ के अगर मजलिस आम विच ले जावांगे ना ते इहदे नाल इंतशार पैदा होना है जिवें दोस्तां विच पैदा होया खड़ा है और ये चीज़ नुकसान दा बाइस है। ठीक है सुने हो? इस गल नाल इतफाक है ना तुसां सारयां दा? दूसरी गल है उर्स मुबारक दी तकरीब दे हवाले नाल। तो शरी तौर दे उते याद रखना उर्स ना फर्ज़ है ना वाजिब है ना सुन्नत मुअक्कदा है, एक जायज़ मुबाह मुस्तहब अमल है। ठीक है, वो भी अपनी शरायत दे नाल कीता जावे लेकिन इत्तेहाद वहदत और यगानगत जेड़ी है ना वो फर्ज़ जे है। जिंदा फकत वहदत अफकार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इलहाम भी इलहाद। इकबाल फरमांदा है जे तुहाडे दिल च कोई गल इलहाम भी लगती है ना तो उहदे नाल मुसलमाना दा इत्तेहाद पिया टुटदा है। उन्हों इलहाम ना समझना, उन्हों इलहाद समझना। इमामाबाद शरीफ चिश्ती साहब किबला दे जलसे मौकूफ सन, तुहानू पता है सारे जिहड़े पुराने संगी ने सन 2007-08 दे केस तो बाद सन 2015 तक उस्ताद साहब किबला दे जिहड़े बयानात सन वो मौकूफ सन। इवें ना जी सरफराज साहब जुल्फकार साहब पुराने संगी जिहड़े बैठे ने ये इन्हां चीज़ां नू जानदे। और सब तो पहली तकरीर किथे शुरू हुई सी? फिर जिस जगह दे आपा बैठे हैं ना उस वक्त इतने मस्जिद नहीं सी, मस्जिद पाक दी बाद तामीर हुई है। इस जगह दे उते सब तो पहला खिताब उस्ताद साहब किबला दा इस फकीर ने करवाया सी। और किनिया रुकावटां दे बाद कराया सी मेरा रब जानदा है, मेरे रब ने मैनू अजर देना है। तो बयानात और तकारीर दा सिलसिला आगाज होया तो वह फिक्र हक दी इशात वास्ते होया है। असी एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात वास्ते उस प्लेटफार्म नो इस्तेमाल ना करिए बल्कि वो साड़ा प्लेटफार्म मौजूद है कि उलमाए किराम साड़ी बैठ के गल सुन लैन ते उलमा और मुफ्तियां ने किराम जेड़ा ना अगर इहदे विच असी मामला ना कुंज सकांगे ते फिर अवामी अदालत चली जावांगे। मेरी गल समझे ने गे? तो बस वो दरवेशां दी की कहां भी बदकिस्मती कहां या केड़ी किस्मती कहां कि मैं अजे पहुंचया आन के इत्थे वापस सुबह नमाज तो बाद सुत्तां ते शाम तक क्लिप शाय हो गया। मेरा इरादा सी जुमे शरीफ तक जड़ा है ना भी इस चीज़ का हल जड़ा है ना वो तहरीरी अवाम विच नहीं उलमा विच मैं खत लिखना सी और कुछ उलमा नाल मेरा राबता होया भी टेलीफोनिक। मैं एक खत और तहरीर मुरतब कर रहा
वह मैं भेजनी सी उलमा नूं कि अज एक तफसीली गुफ्तगू जिहड़ी ए शै हो गई। तो इस तरह दी चीज़ां सानूं बहुत नुकसान दे रहियां ने। पहले ही उम्मत कई हिस्सों च बट चुकी है, फिर साढ़े फिक्री दरवेशां च दो बारां ये हमला हो चुका है साढ़े फिक्री दरवेशां दे विच इत्तेहाद दा, कि इत्तेहाद नूं तोड़न दी एक कोशिश की गई है। पहले 2013-14 उस तो बाद 17-18 दे विच हुजरे वाले मामले दे जदों बनिया। तो इन चीज़ां हुणे 2023 असी की करना है, असी किवें कुफर बातिल दा मुकाबला करना है। अगर असी अपने ही मामलात नूं आसन तरीके नाल कुंजन दे लई ना सोच विचार कीती और आसन तरीका इख्तियार ना कीता, तो मेरा एक दर्द भरा पैगाम है उन्हां दोस्तां तक जिन्हां दोस्तां दी उत्थे सुनवाई होंदी है, कि वह उन्हां नूं इस चीज़ दे आमादा करन। उलमाए किराम दी एक मजलिस मुंतखब कीती जावे, उलमाए किराम दी मजलिस दे अंदर इस मामले नूं हल कीता जावे। रिया उर्स मुबारक दी गल, तो मेरे प्यारे हो हजरत साहब किबला ने सन 2015 दे विच इत्थे इब्तदा करवाई सी, और ये उर्स मुबारक इस एतबार नाल भी अजीम है कि चिश्ती साहब किबला दे बयानात दा आगाज इसे इमामाबाद दे उर्स तो होया। ये एहसान है इमामाबाद शरीफ दा उन्हां दी जात दे उत्ते कि इमामाबाद ने उन्होंने दोबारा और रौनकां बहाल करा के दितियां। मैं नहीं अपना कमाल कह रहा, अस्ताने इमामाबाद दा कमाल है। मैं कमीना की मैं इतों का खादिमा जिहड़े दोस्त आते ने उन्होंने जुत्ती नालों भी मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझता। तो इस इमामाबाद का तुहाडे ते एहसान है कि फिर वो रौनकां दोबारा बहाल हुई और उस तो कई गुना ज़्यादा बेहतर होकर बहाल हुई। तो उस तो बाद अलीपुर शरीफ उर्स का आगाज किया गया। ठीक, तो वो असी उहदे विच कोई रुकावट ना पाई कि यार दोस्त ने इलाका ही चलो जिहड़े गरीब इलाके दे दोस्त ने वो उत्थे इकट्ठे होकर जिक्र फिक्र कर लिया करनगे, जिहड़े है उतले इलाके दे लोग ने ये इत्थे इकट्ठे होकर जिक्र फिक्र कर लिया करनगे, आमदो रफ्त की भी आसानी हो जाएगी, जगह दे इंतजाम की भी आसानी हो जाएगी। उत्थे छोटे हजरत साहब किबला होंदे ने, इत्थे वड्डे हजरत साहब किबला तशरीफ फरमा ने। वड्डे हजरत साहब किबला ने पहले तो फरमाया कि उर्स इको होना चाहिए, चंगा तो इवें ही है, ताहम जे तुसी शुरू कर दो तो मैं रोकदा नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अगर शुरू कर दो तो मैं रोकदा नहीं। तो तुहानू भी मैं यही गल करना कि अगर तुसी उत्थे जांदे हो करदे हो तो मैं तुहानू नहीं रोकदा, करो बेशक तुसी, लेकिन तुसी जरा ये दोस्तों एक परेशानी का शिकार बना रहे हो। एहसान शाह साहब किबला ने जगह दो इधर नाल कुर्सी दे, कुर्सी और लै गया बेटा। जेड़ा तुसी ये समझ रहे हो ना कि ये जेड़ा तुसी एक पाबंदी ला दी है कि आस्ताने इमामाबाद शरीफ ना जाओ, ये मुरीदा बेचारियां दे उत्ते एक तुसी बोझ पा दिता है नाजायज़, कि उन्हां दे अगे हाले गल खोल के कोई वाजे कीती नहीं गई, इंसाफ दे नाल कोई चीज़ वाजे नहीं कीती गई, तो उन्हां नूं एक मरकज़ दीनी तो रोकया जा रहा है। तो एक परेशान कौन मामला है, तुसी वैसे उत्थों दा ऐलान कर देंदे कि अलीपुर जलसा होना है, तो इस दफ़ा मैं खसूसी खिताब उत्थे फरमाना है, तो दोस्त अहबाब शौक शौक वाले उत्थे शिरकत करा। भले कोई मसला नहीं सी, शिरकत करते जिहड़े उत्थे शिरकत कर सकते सन उत्थे करते, जिहड़े इत्थे शिरकत कर सकते सन इत्थे करते। तो दोस्तों अस्ताना इमामाबाद शरीफ दे विच वो आगाज़ किया गया उर्स जिहड़ा है ना, वो उस तरह 22 ज़ुलहज नूं मुनाकिद होएगा। जिहड़े दोस्त शिरकत करनगे ना उन्हां दे उत्ते जबरे, जिहड़े शिरकत नहीं कर सकते ना उन्हां दे उत्ते जबरे, जिहड़े इत्थे नहीं आ सकणगे उधर जाणगे उन्हां दे उत्ते भी कोई नाराजगी और जबर नहीं होएगी, अस्ताने शरीफ की तरफों कोई ला ताल्लुक ही नहीं होएगी। और जिहड़े दोस्त ना उधर जाण ना इधर किसे पासे नहीं जा सकते, उन्हां दे नाल भी कोई जबर कोई नाराजगी नहीं होनी। उर्स दे विच शिरकत ना करन दी वजह तो ते असी तुहाडे ते नाराज़ होईए, ते नमाज छड़ देण दी वजह तो तुहानू कुछ ना कवीए,
ते फिर ये कल फरिश्तियां ने पहले सानू लम्मा पाना है ते बादू तुहानू लम्मा पाना है। ठीक है, इस वास्ते असा पहले फराइज वाजिबात सुनने मुअक्कदा दी पाबंदी दा मुतालबा करने हैं, उस तो बाद जायज़ और मुबाह उमूर ने मुस्ताहब उमूर ने उन्हां दे अंदर इख्तियार है तुहानू, क्योंकि असा बैत दे अंदर तुहाडे कोल जिहड़ा वादा लिया है वह वादा ये लिया है कि हम तुम्हारी नेक कामों में इताअत करेंगे। बीच मारूफ के जिहड़ा लफज बोलवाया है वह ये बुलवाया है कि फर्ज वाजिब दे सुन्नत मुअक्कदा की जिहड़ी तुसीं गल करोगे असीं वह मन्नांगे। अलहम्दुलिल्लाह अस्ताने शरीफ ने अज तक किसे नूं किसे भी चीज़ का पाबंद नहीं किया, फराइज वाजिबात सुन्नत मुअक्कदा तों इलावा। ठीक है, लिहाजा ये ऐलान जरूरी सी, ये दो तजवीज़ा मेरिया जरूरी सन। अल मुख्तसर मैं फिर अर्ज कर देना ताकि क्लिप बन सके कि इमामाबाद शरीफ उर्स मुबारक 22 जुलहज नूं किबला हजूर का जारी करदा जिहड़ा है ना अलैहि रहमत दा जारी करदा उर्स मुबारक उस तरह मुनाकिद पजीर होएगा। जिहड़े दोस्त शिरकत करनगे आहले सआदत अल्लाह तबारक व ताला उन्हां नूं दारैन दी सआदत नाल नवाजे, और अगर कोई दोस्त शिरकत नहीं कर सकेगा तो उहदे नाल कोई नाराजगी और ला ताल्लुकी नहीं होएगी। और दूसरा मसला है कि जिहड़ा हालिया एक तनाज़ा बनया खड़ा है ये वास्ते उलमा और मुफ्तियान और मुदर्रसीन की एक मजलिस मुकर्रर की जाए, वो दोवां तरफों गल सुन के ते उसकी तहकीक कर देवे और मामलात नूं समेट लिता जाए। अल्लाह तबारक व ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ करो रब्बे जुल जलाल असा मुसलमानां नूं सही माना हक दे उत्ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमावे, हक वालियां दे नाल कायम रहन दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह तबारक व ताला साडे दिलां विचों बुग़्ज़ और कीना दूर फरमावे। रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, रब्बाना ला तजअल फी कुलूबना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु अकबर कबीरा। या रब्बल आलमीन, हज़रत साहब क़िबला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दी रूहानियत मुतसर्रिफ़ फरमा, और आप दा जड़ा ये बागीचा मुबारक है इस दे अंदर अगर कोई शरंगेज अग पावना चाहता है तो मौला सोनिया उस दे मजमूम मकासद नाकाम फरमा, और हजरत साहब किबला दिए दुआ नू कामयाब फरमा कि सानू मिलजुल के दीन दी खिदमात सर अंजाम देन दी तौफीक अता फरमा। हज़रत वाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी तालीमात दे उते अमल पैरा रहन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल साडा दिल दा ये अकीदा मजबूत फरमा दे कि ना ते मखलूक दी मजम्मत जलील कर दिए जे तू जलील ना करना चाहवें, ये अकीदा भी मजबूत फरमा दे साडे दिलां दे अंदर कि मखलूक दी तारीफ इज्जत नहीं बख्श दी जे तू इज्जत देना ना चाहे, ऐ इज्जत ओ जिल्लत दे मालिक सानू जिल्लत तू बचा, सानू इज्जत अता फरमा। व अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन दा वसीला मौला रब्बे जुल जलाल साडे मुरीदां नू मुतअल्लिकीन नू मुतवस्सिलीन नू बाहमी तनाज़ात तू बचा, इन्हां नूं शीरो शकर फरमा, दस्तो गरे बाहुण तू मौला सोने इन्हां नूं निजात अता फरमा, आहले शर दे हर शर तू पनाह और निजात अता फरमा। तेनों तेरे इस मुकद्दस बंदे दा वास्ता मौला सोने, जिस मर्द खुदा ने अपने महल नहीं बनाए, जिस मर्द खुदा ने अपनी लई वड़ियां गड़ियां नहीं खरीदियां, जिस मर्द खुदा ने सब कुछ तेरे कुरान लई कीता है, ना जायदाद बनाई है जिस मर्द खुदा ने, ना जिस दा मतलब मकसद पैसा सी, मौला सुनिया असा क्यादत जिहड़ियां आप दे बाद रहण वाले जिहड़े हैगे आ
उन्हां सारयां दे दिल आप दे नूर नाल मुनव्वर फरमा दे, साडे दिलों कुदूरतां भी दूर फरमा दे, दुनिया भी दूर फरमा दे, हिरसो हवस भी दूर फरमा दे, और असानू शीरो शकर फरमा दे, ताकि लोग हर आस्ताने दे जान वाला हजरत साहब दा फैज़ पावे, हजरत साहब किबला दे रूहानियत ते नूरानियत तो मुस्तफीज होवे। मौला सोनिया सानू आपस च एक दूसरे दे नाल मुतसादिम होण तू बचा, और मुतहिद होके ते अहले कुफर ते अहले बातिल नू मिटाण दी तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसहबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरूद व सलाम दा नजराना पेश।